मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी बन गई, लेकिन सरधना विधानसभा अभी भी राजनीति व दंगल का अखाड़ा बना हुआ है। पुलिस चौकी के पास आज कुछ युवकों ने बिरयानी का ठेला न सिर्फ पलट दिया बल्कि संचालक जाहिद के साथ मारपीट भी की। इन लोगों का दावा था कि बिरयानी मीट से बनी है और नवरात्र को देखते हुए शासन ने 10 अप्रैल तक सभी मीट की दुकानें बंद करने के आदेश दिए हुए हैं, जबकि ठेला संचालक व उसके समर्थन में आए लोगों का कहना था कि कुछ लोग सरधना का माहौल सांप्रदायिकता के आधार पर खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोयाबीन से बनी बिरयानी को नॉनवेज बताया जा रहा है। संगीत सोमसेना के लोगों को इलाके का माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इस विवाद को लेकर वहां काफी देर तक हालात खराब रहे। बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी के जांच कर आवश्यक कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। हालांकि पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई है कि बिरयानी वेज थी, नॉनवेज नहीं। उधर सूचना पाकर पहुंची पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान ने सीओ सरधना के समक्ष इलाके का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने संगीत सोमसेना का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले सचिन खटीक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। देखिए क्या माहौल रहा आज सरधना का। दे भी रही। ये पूरी तरह से अभी वहाँ देखेंगे तो जो है चावल है और वो सोयाबीन की जो है बड़ी वगैरह है जो वो अपना बेचता रोजी रोटी चलाता है। बात इस चीज की है कि इस तरह से है, मतलब लोकतंत्र का ये हनन है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे पाल रहा है अपनी मजदूरी करके, उसके यहाँ के गुंडई हो रही है, मारपीट हो रही है, उसके ठेले को तोड़ा जा रहा है, बघेला जा रहा है, गल्ला उसका लूट लिया गया, तो साहब ये क्या चीज है, गलत है। देखो बीजेपी के लोग तानाशाही करते करते 5 साल तो इन्होंने खूब उगाई करी, खूब तानाशाही करी, अब फिर ये लोग ऐसे ही तानाशाही कर रहे हैं, आपसी सौहार्द को खराब करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। देखो हम लोग चाह रहे हैं कि शांति से सब लोग रहें, सब देखो हर गाइडलाइन नोट के जो भी है, तो नीट वगैरह की वो नहीं जांच करा पालन करा जा रहा है, उसका पूरा पालन है, पालन कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों के देखो गरीब आदमियों के साथ इतनी बदतमीजी अभी ये लोग करेंगे तो बताओ कौन बर्दाश्त करेगा। संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, ये हार को बचा नहीं रहे हैं और कुछ न कुछ ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे आपस में झगड़ा हुआ है। मगर हम शांति प्रिय व्यक्ति हैं, हम समाजवादी हैं, समाज में एकता अखंडता कायम रखना चाहते हो और हमेशा कायम रहेगी। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि एक आदमी सरकार ने नवरात्रि की वजह से मीट पर किसी तरह की कटान में प्रतिबंध लगा दिया, सब ने मान लिया, मगर सोयाबीन के लिए और किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। वो एक सब्जी में आती है सोयाबीन, उसकी तारी बना के बेच रहा था, जिसे आगे कुछ लोगों ने मीट समझा और बगैर तस्दीक के बगैर किसी काम के आगे उस पर हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट करी, उसके सामान को फेंक दिया है। योगी वाला बहुत ही गलत है, निंदनीय और हमारी सभ्यता के विपरीत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं या तो ऐसे तत्वों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो कस्बे का माहौल खराब करना चाहते हैं, सख्त कार्रवाई करी जाए, वरना फिर शासन प्रशासन हम अपने हाथ में लेंगे और फिर जो होगा हम करेंगे, ऐसे आदमियों को हम देखेंगे, हमें कस्बे पे नहीं रहने देंगे। पैसे भी लूट लिया हो, लूट के ले गए तो हमारे प्रशासन चाहिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन बीजेपी के लोग यहाँ पर आपसी सौहार्द को खराब करना चाहते हैं और हमारे लोगों को मारना, उत्पीड़न करना, उत्पीड़न लोगों का कर रहे हैं और ये आपसी भाईचारा हम खत्म नहीं होने देंगे और ना ही बीजेपी की ये तानाशाही हम चलने देंगे। क्योंकि बीजेपी के लोग यहाँ से जो आए हैं उन्होंने पैसों की लूट भी यहाँ से करी है। तो देखो पहले तो ये लोग दलाली खा रहे थे, इन लोगों को दलाली खाने की आदत पड़ रही है, ये लोग खत्म करना चाहते हैं और हमारे लोगों को परेशान करना चाहते हैं। बीजेपी की जो तानाशाही रवैया है और जो यहाँ के लोगों का जो रवैया वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही इनकी ये गुंडागर्दी हम चलने देंगे, आपसी सौहार्द को बनाकर हम रखेंगे। और लूट खसोट जो बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, जो गुंडाई ये कर रहे हैं, तो इसको कतई हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो हम लोग शांतिपूर्वक, हम सबसे पहले ना तो
कभी कहेंगे बीजेपी के लोग ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये गुज्जर है, ये जाट है, ये चमार है। सबसे पहले हम एक मनुष्य है और मनुष्य वो सब जो शांतिपूर्ण कार्य कर रहा है, जो अपने रोजगार को चला रहा है, गरीब आदमी तो उसके रोजगार को चलाने दें। अगर कोई गलत चीज है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब बेचारा तो ये साथ उतना उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? जैसे हम ये कह रहे हैं कि पत्रकार महोदय, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और आप यहाँ सर्वे करें और होटल पे आप देख पाए, कैमरे की नजर उधर घुमाएं, आप देखें जिस तरह की अभद्रता की गई है, जिस तरह की तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह की लूट की गई है, जिस तरह की छिनैती की गई है, जिस तरह के लोगों को पीटा जा रहा है, ये कहीं न्यायप्रिय चीजें हैं? कहीं नहीं है। आप पूछो कि ये कैसा रामराज? एक व्यक्ति जो अपना रोजगार चला रहा है, बच्चों का पालन पोषण अपना जो है यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए खड़ा हुआ है, उसको तहस नहस कर दिया जा रहा है। ये इनकी गुंडई है, ये हताशा है। पहले ये कहीं ना कहीं उगाही करते रहे हैं और उस उगाही के ये चीजें चला रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए FirstBite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।